दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट जिन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां कोई सांप नहीं है। आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसमें कोई मच्छर नहीं है। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जिसमें कोई चींटी नहीं है। लक्समबर्ग एक ऐसा देश है जिसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री है। नाउरू एक ऐसा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुल कितने देश हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अमेजिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमंस। आजकल के लोग अपनी पूरी लाइफ के 1 से 2 साल का समय फोन यूज करने में लगा देते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं हम उन्हें बता दें कि अपनी पूरी जिंदगी में 6 से 8 हजार जानवर खा जाते हैं। एक मनुष्य अपनी पूरी लाइफ में 12 टन से भी ज्यादा खाना खा सकता है। पुरुष अपनी लाइफ में 5 महीने का समय बस दाढ़ी बनाने में लगा देते हैं। दोस्तों आप अपनी पूरी लाइफ में से लगभग 2 महीने का समय वॉशरूम में बिताते हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल लेके जाते हैं तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। आजकल अधिकतर लोग अमेरिका या इंडिया से बाहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, पर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। अगर हम अमेरिका के लेबर की बात करें तो उन्हें सिर्फ 15 दिन काम करना पड़ेगा आईफोन 13 खरीदने के लिए, और अगर हम इंडिया की लेबर की बात करें तो इंडिया की लेबर को 6 महीने लगातार काम करना पड़ेगा आईफोन 13 खरीदने के लिए, और वो भी पक्का नहीं कि वो खरीद पाएंगे या नहीं। बस यही एक कारण है कि लोग बाग इंडिया से बाहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं। कुछ अजीबोगरीब फैक्ट। इस धरती पर लाखों जीव रहते हैं, लेकिन बस 3 प्रजाति ऐसी हैं जो हंस सकती हैं, जिसमें से पहला हम इंसान, और दूसरा चिंपांजी, और तीसरा चूहा। इंसान का दिमाग 15 वोल्ट की ऊर्जा में ही काम करता है बस। जोक यानी लीचीज के 32 दिमाग होते हैं। जिराफ ऊंट के मुकाबले बिना पानी के ज्यादा जिंदा रह सकता है। बिल्ली 7000 सालों से इंसानों के साथ जीती आ रही है। क्या आपके पास भी कोई बिल्ली है? अगर है तो उसका कमेंट में नाम बताएं। ह्यूमन बींग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक आदमी अपनी लाइफ का 1 साल बर्बाद कर देता है महिलाओं को देखने में। क्या आप जानते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी में 2 लाख बार जमवाई लेते हैं? क्या आप जानते हैं कि 1 सिगरेट पीने से हमारी लाइफ के 12 मिनट कम हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम बिना सोए 12 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते, लेकिन बिना खाए 2 महीने तक जी सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि 50 लाख लोगों में से एक आदमी ऐसा होता है जो 110 साल से ज्यादा जी सकता है? कुछ अनसुनी बातें जानवर के बारे में। उल्लू को सिर्फ नीला कलर ही दिखता है और उसकी आंखें फिक्स होती है। उसको चारों तरफ देखने के लिए अपने सिर को घुमाना पड़ता है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है। बिच्छू अपनी सांसों को 6 दिनों तक रोक सकता है। और टिड्डे का खून सफेद कलर का होता है। और एक रिसर्च में पाया गया है कि मच्छरों को ओ ब्लड ग्रुप बहुत पसंद है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप बच के रहें, और आपका ब्लड ग्रुप क्या है कमेंट में बताएं। दोस्तों आपने सुना होगा कि जो पहले के लोग थे वो पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, और आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां इनकी पूजा होती है। वो लोग ऐसा मानते हैं कि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है, इसलिए वो इसकी पूजा करते हैं। लेकिन हम इसे साइंस के नजरिए से देखें तो पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बाकी सभी पेड़ दिन में ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और रात के टाइम सभी पेड़ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इसलिए हमें किसी भी पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, इससे हेडेक जैसी बीमारी हो सकती है। और जाते जाते यही कहूंगा, जितना हो सके पेड़ लगाएं और अपने एनवायरमेंट को साफ रखें। अमेजिंग फैक्ट अबाउट एनिमल्स। सांप भूकंप की भविष्यवाणी कर सकता है, क्योंकि सांप आने वाले भूकंप को 5 दिन पहले ही 75 मील की दूरी से महसूस कर सकता है। हाथी अपनी सूंड में 5 लीटर तक पानी रख सकता है और उसकी सूंड में कोई भी हड्डी नहीं होती। चींटी अपनी लाइफ में कभी नहीं सोती और ना ही उसके फेफड़े होते। चूहा बिना पानी के ऊंट से ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है। पेंगुइन के शरीर में खारे पानी को साफ करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। दोस्तों आपने रेनबो तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये गोल क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं और सूरज हमारे पीछे होता है, उसकी किरणें रिफ्लेक्ट होकर 40 से 42 डिग्री का एंगल हमारी आंखों पर बनाती हैं, तब रेनबो हमें दिखाई देता है। और हम बस उन्हीं किरणों को देख सकते हैं जो 40 से 42 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट होती हैं। और इसमें 7 कलर इसलिए होते हैं क्योंकि ये तो आप जानते होंगे कि अगर हम व्हाइट लाइट एक प्रिज्म पे डालते हैं तो वो व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। और कुछ ऐसा ही होता है सूरज की किरणों के साथ। यहाँ पर प्रिज्म का काम बारिश की बूंदें करती हैं और सूरज की किरण को 7 कलर में डिवाइड कर देती हैं, तो इसलिए
रेनबो में 7 कलर होते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वर्ल्ड के जो फेमस वंडर्स हैं उन्हें बनने में कितना टाइम लगा। ताजमहल को बनने में 22 साल का समय लगा था। टावर ऑफ पिसा को बनने में 200 साल का समय लगा था। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनने में 5 साल का समय लगा था। एफिल टावर को बनने में 2 साल 2 महीने 5 दिन लगे। बुर्ज खलीफा को बनने में 5 साल का समय लगा था। और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनने में 2000 साल का टाइम लगा था। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनर्जी से भरे सुबह के नाश्ते के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बनता है। नट्स, बादाम, फलियां और अनाज को अंकुरित करके इसको बनाया जाता है और इसका नाम है स्प्राउट। अब जानते हैं इसे खाने के फायदे के बारे में। डाइजेशन में इसमें फाइबर और एंजाइम्स होते हैं जो कि खाना पचाने में मदद करते हैं। बालों और स्किन के लिए इसमें प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि बालों और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आँखों के लिए इसमें प्रोटीन फाइबर के साथ साथ विटामिन ए भी पाया जाता है जो कि आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। दिल के लिए इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि दिल के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है और इसे खाने से हमारी बॉडी में खून की कमी नहीं होती। कोरोना वायरस जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, इससे बचने का बस एक ही तरीका है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर लें। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ड्रिंक बताएंगे जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना रहेगा। हर्बल टी, इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसे बनाने के लिए पुदीना, हरी धनिया, अजवाइन या डेली यूज़ करने वाली सामग्री से भी बना सकते हैं। फ्रूट जूस, अपनी डाइट में तरबूज, संतरा, मौसमी, लीची से बने जूस को शामिल करें। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है। मिल्क शेक, इसमें प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसे बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी, आम, सेब, कीवी जैसे फलों का यूज़ करें, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। वेजिटेबल सूप, इसे बनाने के लिए पालक, पुदीना, फूलगोभी, पत्ता गोभी जैसी हरी सब्जियों का यूज करें। यह आपकी बोन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। इन्फॉर्मेशन, एक बार एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने एक फरारी खरीदी और जब वो उसे चला रहे थे तो उन्हें क्लच में दिक्कत आई, जिसकी कंप्लेन करने वो सीधा फरारी के ओनर एनजीओ फरारी के पास गए। उन्होंने इनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम बस ट्रैक्टर चलाने लायक हो, ये लग्जरी कार तुम्हारी बस की बात नहीं। ये बात सुनते ही उन्हें बहुत बुरा लगा और मन ही मन सोच रहे थे कि अब मैं भी लग्जरी कार बनाऊंगा। उसके बाद इन्होंने दिन रात मेहनत करी और एक कार बनाई जिसका नाम इन्होंने अपने सरनेम पर रखा, लंबोर्गिनी। और 1963 में इन्होंने अपनी पहली कार लॉन्च करी और देखते ही देखते इनकी कंपनी लग्जरी कार बनाने के लिए फेमस हो गई। यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता है तो उसकी बातों को नेगेटिव वे में ना लेकर पॉजिटिव वे में लें और मेहनत करते रहें, जैसा कि फरूसियो लंबोर्गिनी ने कर दिखाया है। ये बात है दिल्ली में रहने वाले आर्टिस्ट पी के महानंदे की, जिसे स्वीडन से आई हुई टूरिस्ट से पहली नज़र में प्यार हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और फिर एक दिन शादी कर लेते हैं। लड़की का वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है इसलिए उसे मजबूरन स्वीडन वापस जाना पड़ता है और लड़का इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि फ्लाइट का टिकट खरीद ले और साथ में जा सके। लेकिन एक साल बाद अपना सब कुछ फेंक कर एक 80 रुपए की साइकिल खरीदता है और निकल पड़ता है स्वीडन अपने प्यार से मिलने। और जब स्वीडन के बॉर्डर पर पहुंचता है तो उसे शार्लेट खुद पिक करने आती है और उनका इतना शिद्दत भरा प्यार देखकर उनके घर वाले स्वीडन के रीति रिवाज के अनुसार उनकी शादी फेंक करवा देते हैं। ईयर 1894, अमेरिका में रहने वाले कैली ब्रादम जो कि एक फार्मेसिस्ट थे, इनकी लैब में आने वाले हर एक इंसान को एक खुद से बनाई हुई ड्रिंक पिलाते थे जो कि लोगों को बहुत अच्छी लगती थी और इनकी ड्रिंक पूरे शहर में फेमस हो चुकी थी और लोगों ने मिलकर इनकी ड्रिंक का नाम इनके सरनेम पर रख दिया, ब्रांड्स ड्रिंक। और उसके 4 साल बाद इन्होंने अपनी ड्रिंक का नाम पेप्सी कोला रख दिया और पेप्सी कोला नाम इसलिए रखा क्योंकि एक मेन इंग्रेडिएंट्स था पेप्सिन जो कि इनकी ड्रिंक में यूज़ होता था जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और कोला इसलिए क्योंकि इनकी ड्रिंक का टेस्ट कोको कोला से मिलता था, इसलिए इन्होंने अपनी ड्रिंक का नाम पेप्सी कोला रख दिया। और उसके कुछ सालों बाद इन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दी और आज आप जानते हैं कि ये कहाँ है। गूगल ट्रांसलेटर, जिसके डेली यूजर्स 500 मिलियन प्लस हैं, पर शायद ही कोई जानता होगा कि ये बना कैसे। चलिए हम बताते हैं। एक बार सुंदर पिचाई किसी काम से चाइना गए।
वहाँ इन्हें ऑफिस में तो एक बंदा मिल जाता है जो इनकी बातों को ट्रांसलेट करके दूसरों को समझा दे और दूसरों की बातें ट्रांसलेट करके इन्हें समझा दे। पर ऑफिस के बाद जब ये बाहर निकले तब इन्होंने सोचा कि हम कुछ खा लेते हैं। फिर एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ इन्होंने मेन्यू कार्ड में देखा सब चाइनीज में लिखा था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आया जिस वजह से ये कुछ खा नहीं पाते और वापस चले आते हैं। फिर इन्होंने सोचा कि लैंग्वेज ना आने से मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो और लोगों को कितनी प्रॉब्लम आती होगी। ये बातें इन्होंने अपनी टीम के साथ डिस्कस करी और कहा कि हम कुछ ऐसा बना दें कि सामने वाले की बातें हम समझ सकें और अपनी बातें उसे समझा सकें किसी भी लैंग्वेज में। फिर इन्होंने गूगल ट्रांसलेट बनाया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ेदार बातों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।